स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम अमित पांडे है और क्रिएटिव और कंपटीशन के सेशन में आपका बहुत स्वागत है। मैंने फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट का लगभग बहुत सारा पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो कुछ पोर्शन है जिनको आज मैं बता देता हूँ। तो आपका ये फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट जो हमारा भौतिक जगत और मापन है, ये पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो घबराने की बात नहीं है, इसमें कुछ चीजें बची हुई है, जैसे हमारा कन्वर्जन बचा हुआ है। कन्वर्जन मैंने आपको नहीं बताया था, कन्वर्जन थोड़ा मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ, छोटा है तो आपको दिखेगा नहीं पूरा, तो मैं इसको बड़ा लिखता हूँ स्टूडेंट, जिससे आपको पूरा दिखे। ये है हमारा आपका कन्वर्जन बचा है, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्ट करना, या आप एक से दूसरे में बदलना, एक राशियों का दूसरे राशियों में बदलना, ठीक है। एक ही बचा है, दूसरा आपका बचा है न्यूमेरिकल, जो मैंने कुछ करवाया था और कुछ अभी बाकी है, वो मैं आज करवाऊंगा। तीसरी चीज आपकी बची है, जो वो एक है हमारा आपका परसेंटेज ईरर। तो परसेंटेज ईरर, कन्वर्जन, न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें बची हुई हैं। तो मैं आपको पहले कन्वर्जन समझा देता हूं स्टूडेंट, फिर आपको न्यूमेरिकल समझा दूंगा, फिर आपका परसेंटेज ईरर समझा दूंगा। तो कन्वर्जन जो होता है हमारा, एक राशियों को दूसरी राशियों में कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे उसको हम रूपांतरण करते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे। आज हमारा डेट है 30 अगस्त 2020। तो हमारा मॉड्यूल मैंने कंप्लीट कर दिया प्रीवियस वीडियो में, कुछ ब्लॉग भी नहीं बन पाए थे काफी दिन से, तो मैं सोच रहा था कल इसको कंप्लीट कर देता हूँ, जिससे आपका ये चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट ये खत्म हो जाए। फिर न्यूमेरिकल में करवा ही रहा हूँ आपको, और न्यूमेरिकल मैं उस लेवल का करवा रहा हूँ आपको कि ताकि आपका कंपटीशन के साथ साथ, कंपटीशन में अगर थोड़ा बहुत आप टेस्ट करोगे तो आपका वो भी होगा डेफिनेटली, और यूपी बोर्ड या आपके सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन है वो आपका न छूटे, वो आपका हो जाए और बनना भी चाहिए, मेरे पढ़ाने का मतलब यही है। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको पता पाने भी कि मैं याद नहीं आता है, तो मैं एक बार लिख लिया हूँ क्वेश्चन क्या क्या आपको करने हैं और क्या क्या हमें कराने हैं। मैंने बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था यन1, आई थिंक अपने पहले या दूसरे वीडियो में, यन1 U1 इक्वल टू यन2 U2। जो हम कोई भी राशि है, जैसे मैंने बताया था कि मैंने अपना वेट किया या मैंने अपना क्या किया, द्रव्यमान का मेजरमेंट किया, तो हमारा वेट कितना आया, जैसे हमारा मान लो हम 30 kg के हैं, तो 30 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी हमारा क्या है, ये राशि है या हमारा यूनिट है इसका, ठीक है। तो ये हमारा है N1 E1 N2 U2, इस पे हम कैसे राशियों का कन्वर्जन करते हैं, कैसे हमारा बीमी विश्लेषण जो है एक दूसरे से सहायता करता है रूपांतरण करने में, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा और आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, बता दीजिए तो मुझे क्या क्या पढ़ाना है आपको। थोड़ा मैं स्पीड मेरी तेज थी तो मैं सोच रहा हूँ उसको स्लो कर दूं, जिससे आप लोगों को पूरा समझ में आए, क्योंकि उस पढ़ाने का फायदा ही क्या है जिसे आपको समझ में आएगी ना और मैं पढ़ाता चला जाऊं, क्योंकि उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा स्टूडेंट। तो इस पहले मैं आपको कन्वर्ट कर दूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन जो है करवाता हूं। तो ये है हमारा किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धत से दूसरे मात्रक पद्धत में कन्वर्ट करना या बदलना, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बोल दूं स्मॉल जी हमारा ग्रेविटेशन है, तो यंकीस में इसका क्या आता है 9.8 m/s² जो इसकी वैल्यू आती है, हमारा द्रुपी तोड़ा का मान कितना होता है 9.8 m/s²
क्योंकि प्रोडक्ट का क्या होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक। तो अब अगर हमको सीरियस में इसको चेंज करना है स्टूडेंट सेंटीग्राम सेकंड में, तो ये हमारा बीम विश्लेषण बहुत ही काम करेगा इस चीज को बदलने में। तो ये बीम विश्लेषण का एक फायदा भी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछा बीम विश्लेषण का फायदा क्या है, आप क्यों पढ़ते हो, तो ये हमारा बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा क्या फायदा है, मात्रक में बदलना। Conversion of, I think पूरा दिख रहा होगा, to conversion of unit, एक राशि से हमारा दूसरी राशि के मात्रक में बदलना, ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको नोट डाउन आप कर लिए। अब मैं आपको बोल दूं कि ये कैसे आता है, कैसे बदलोगे। हमें पता है, हमें एक चीज पता है, ये चीज कि हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और हमारा जो मात्रक है N1U1 is equal to N2U2 is equal to N3U3 डाट इसको ले सकते हो N N U N तक ले सकते हो ना, नंबर ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं कि नहीं। तो हमारा जो ये होता है U होता है, ये हमारा हमेशा होता है N के इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब कि व्युत क्रमानुपाती होता है। क्यों होता है, अब देखो अगर N1U1 N2 अगर हमारा कांस्टेंट मान लो एक, क्योंकि हमारा ये क्या होगा, तो कांस्टेंट वैल्यू ही होगी ना, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ये तो कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, हमारा कोई ठीक न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा कांस्टेंट होगी, तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो N U = K है, तो इसको हम लिख सकते हैं U = क्या हो जाएगा, K/N या यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/N, जो हमारा क्या है नियतांक है, कि हम इसको हटा देंगे, तो 1/N या U = K/N कि हमारा क्या है एक नियतांक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब ये हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कन्वर्जन कैसे हमारा करते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। ये मैं फार्मूला ड्राइव करूंगा, जब मैं फार्मूला आपका ड्राइव कर दूंगा तो आप इस फार्मूले से क्या करोगे, कन्वर्ट आसानी से कर लोगे एक मात्रक को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, या पद्धति और लिख दो पद्धति मतलब सिस्टम, कन्वर्जन सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम, ठीक है, मात्रक पद्धति को एक से दूसरे में चेंज करना। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे ये होगा, इतना तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने बोला है N1U1 = N2U2, जहां पर N1 क्या है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 क्या हमारा या U2 क्या है ये मात्रक है। अब आप मान लो EMKS पद्धति में, जिसे हम बोलते हैं समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। उस सिस्टम में हमारा मान लिया मैंने U1 की वैल्यू क्या है, द्रव्यमान हमने क्या ले लिया केजी ले लिया, तो अगर हमने केजी ले लिया द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगी, मास यम ले लिया, और हमें पता है कि बीमी करने के लिए यहां पर पावर ये हमने मान लिया, ठीक, पावर ये हमने मान लिया, और हमारा इसमें अब लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, उसको हम किससे नोट करते हैं यल, पावर हमने बी मान लिया। अगर U1 है तो यहां क्या कर देंगे M1 कर देंगे, यहां L1 कर देंगे, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो यहां हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, समय को T1 मान लिया, हमने पहले भी बता रखा है। अगर हमने ये मान लिया तो N1 हमारा क्या है कांस्टेंट हो, तो हमें N1 भी लिखना पड़ेगा, N1 हमने लिख दिया,
दिखाई पड़ रहा होगा आई थिंक। अब हमारा U2 क्या हो गया, U2 इज इक्वल टू हो गया N2, ऐसे क्या हो जाएगा यहां M2 पावर B, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा L2 पावर B, और यहां पर क्या हो जाएगा T2 पावर C। अब एक चीज बता दो हमें, U1 N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये हमारा है ये वन हमारा ये है। अगर हम ई वन की वैल्यू यहां पर रख देंगे और एन टू की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, या हमारा अगर ये चीज इक्वल है तो हम इस चीज को भी इक्वल लिख सकते हैं। अगर हमारा ये चीज इक्वल है तो हम इस चीज को भी इक्वल लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एन वन एम वन, ठीक है हमारा एन वन एम वन पावर ए, ठीक है एन वन पावर बी T1 पावर C इज इक्वल टू N2 M2 पावर A L2 पावर B और T2 पावर C। हमारा क्या हो गया N1 इज इक्वल टू N2 है तो N1 पावर A L1 B T1 C N2 M2 A L2 B T2 C, इसके कारण हो गया। अब अगर ये हो गया स्टूडेंट तो एन टू अपान एन वन क्या होगा, एन टू अपान एन वन क्या होगा, तो एम वन इसको हम लिख सकते हैं ऐसे बाई एम टू पावर ए एल वन बाई एल टू पावर बी और टी वन बाई टी टू पावर सी। ये हमारा क्या हो गया पूरा एक फार्मूला निकल करके आ गया कैसे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू का एक दूसरे में कन्वर्जन होता है राशियों में और कैसे हमारा ये मात्रक उत्पन्न हो जाता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। हमने कुछ नहीं किया, हमने पता है एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू होता है, तो हमने क्या किया यूएन की वैल्यू यहां रख दी, हमने एक मात्रक मान लिया, क्या है यूएन एक मारा एक मात्रक है, तो ये हमारा क्या हो गया मात्रक हो गया फर्स्ट। ये हमारा क्या है मात्रक दो है, तो हमने क्या किया मात्रक दो, और हमें पता है एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू बराबर एन थ्री यू थ्री बराबर कांस्टेंट, तो इसको मैंने यहां पर राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर किया तो एन टू बाई एन वन आ गया इक्वल टू। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी हमारा, और एन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज। अब ये हमारा एक फार्मूला निकल करके आ गया, तो इस फार्मूले को आप लिख लो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा, एक बिंदु विश्लेषण से हमारा ये लाभ होता है। अगर कोई पूछे बिंदु विश्लेषण का उपयोग क्या है, तो पहला हमारा उपयोग है क्या, एक राशि के मात्रक को दूसरे राशि के मात्रक में क्या करना है चेंज करना होता है, ये पहला उपयोग। दूसरा, हम किसी राशि का क्या मात्रक है और वो बता भी सकते हैं, इससे बिंदु विश्लेषण से हम बता सकते हैं। अगर फार्मूला ड्राइव करना हुआ हमें, फार्मूला भी हम ड्राइव करते हैं इसके लिए। तो दूसरा हमारा क्या होता है, तो पहला हो गया, पहला आप नोट डाउन कर लो, दूसरा क्या होगा ये हमारा पहला हो गया स्टूडेंट। अगर मैं पूछे दूसरा क्या होगा, तो दूसरा भी हमारा अभी आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, टू ड्राइव द इक्वेशन, सॉरी टू ड्राइव द फार्मूला, फार्मूला एंड रिलेशन, मतलब हमें एक कोई राशि दे दिया जाए, जैसे कोई लेंथ की लंबाई दे दिया जाए, समय का हमारा क्या हो जाए सेकंड दे दिया जाए, और द्रव्यमान का किलोग्राम दे दिया जाए, किसी भी चीज का मात्रक में दे दिया जाए, तो हमें रिलेशन कैसे बनाने हैं, संबंध कैसे स्थापित करने होंगे, हम बिंदु विश्लेषण से कर सकते हैं। ये भी एक हमारा एडवांटेज है इस चीज का, राइट। तो ये भी हमारा एक एडवांटेज है। तो ड्राइव फार्मूला एंड रिलेशन, ये भी हमारा बिंदु विश्लेषण का क्या है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, संबंध स्थापित करना, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और ये चीजें आपको एक बार हो जाए तो फिर आपको आसानी होगी।
क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है अगर स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें है हमारा एमकेएस में है, इसमें है एमकेएस में है, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ जी इन सी जीएस। स्मॉल जी इसमें है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस में है, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ जी इन सी जीएस। ठीक है, हर जगह पूरे इस टाइप जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, आपको एक ही फार्मूला काम करेगा, N1 इक्वल टू N2U2 या N2 upon N1 इक्वल टू, फार्मूला क्या हमने बताया था, N2 equal to N1 M1 by M2 power A L1 by L2 power B एंड तीसरा क्या है T1 by T2 power C। यही एक ऐसा फार्मूला, मास्टर फार्मूला है जो पूरे डिमी विश्लेषण की जान है, यही सारा जगह काम आएगा आपको डिमी विश्लेषण में। और ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो एग्जैक्टली मैं ये उम्मीद करूंगा आपको सारा ठीक समझ में आ जाएगा इस अध्याय का जो आपको चैप्टर में बता रहा हूं। कैसे स्थापित करना तो मैंने आपको बता दिया था। अब हमारा जी क्या है, वृत्तीकरण है, वृत्तीकरण है, इसका फार्मूला क्या होता है, हम ले सकते हैं F/m। चूंकि आपको पता होगा स्टूडेंट F इक्वल टू क्या होता है m में, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और एक चीज ये भी पता हमें F बराबर होता है mg, द्रव्यमान गुणे वृत्तीकरण। ये हमारा क्या है लीनियर एक्सीलरेशन, और g क्या है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये क्या हमारा लीनियर एक्सीलरेशन है, हमारा रेखीय त्वरण है। ठीक है, g क्या हमारा वृत्तीय त्वरण है। तो अब यहां पर F की बीमा क्या है, F की बीमा है m l t पावर माइनस टू और m, यम है तो यम से हम तो कट जाएगा कोई मतलब ही नहीं, तो बचा क्या हमारा l t पावर माइनस टू, ये किसका बीमा आ गया g का है। इसमें एक चीज हम नोट डाउन कर लेते हैं, अब देखो यहां कितना है हमारा 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ये हमारा क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है 9.8, इसकी जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिख देंगे 9.8 हमने लिख दिया। जब 9.8 हमने लिख दिया तो बचा क्या, ये किसको कन्वर्ट करना है एमकेएस को, किसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हम नीचे लिखते हैं स्टूडेंट। तो हमारा क्या है ऊपर क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या मतलब है केजी, तो यमों में क्या हो जाएगा केजी, यमों में क्या हो जाएगा केजी, और यहां क्या हो जाएगा ग्राम। अब हमें ग्राम को किसमें करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, या केजी को हमारा क्या होगा ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां लिख सकते हो 1 kg, यहां लिख सकते हो 1 ग्राम। ठीक है, अब 1 kg में कितना होता है, 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है, 1 kg बराबर हमारा होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg में हमारा होता है 1000 ग्राम। ठीक है, अब एक मिनट रुक जाओ, अब यहां देख लो यहां पर क्या है, यहां पर 0 है, समथिंग पावर 0 equal to 1 होता है, तो यहां पर क्या हमारा इसको हम लिख सकते हैं m power 0 l power 1 t power minus 2। तो संबंध किसमें है, संबंध हमारा डिपेंड कर रहा है केवल l और t, मतलब द्रव्यमान पे हमारा ग्रेविटेशन नहीं प्रतिबंध कर रहा है, हमारा गुप्ती द्वारा जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल वो समय और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समय और दूरी पे हमारा डिपेंड कर रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लंबाई में इसमें क्या होता है मात्रक, सीजीएस में, एमकेएस में होता है मीटर, और सीजीएस में क्या होता है मैंने बोला था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहां लिख सकते हैं हम मीटर, और यहां लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब पावर क्या है 1, पावर हमने 1 लिख दिया,
टी पावर माइनस टू, तो यहां पर हमारा वन सेकेंड, और यहां पर क्या हो जाएगा वन सेकेंड पावर माइनस टू। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यन टू इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8 समथिंग, पावर जीरो क्या हो जाएगा हमारा वन गुणे वन गुणे। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में मान दिया है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा हमारा, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर हमारा होता है, एक मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं पी मीटर, अभी भी सेंटीमीटर में आ गया, अभी सेंटीमीटर में आ गया, ये हमारा हो जाएगा 10 पावर 2। ये हमारा कट गया सेकंड सेकंड। ठीक, अब आ जाएगा हमारा 998.00। ठीक है, पॉइंट कितने अंक पे लगा है, एक अंक पे, तो हो गया हमारा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक हम जरूर लिखेंगे, जब हम राशियों का कन्वर्जन करेंगे तो मात्रक हम जरूर लिखेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, मात्रक हम जरूर लिखेंगे राशियों का कन्वर्जन करते समय। अगर हम मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आखिर हमें कन्वर्ट ही तो करना था, मात्रक में ही तो कन्वर्ट करना था, और जब मात्रक को हम चेंज कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, जो हमारी आंतरिक मान है वो अपने आप बदल जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसका वैल्यू कितना आया, अगर आपको पूछे कोई क्वेश्चन में, तो इस मान जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमपीएस में इसको सीजीएस में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। वहां मुझे आप कमेंट कर देना तो आपको फर्दर क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है स्टूडेंट कि डायमेंशनल मेथड से बीमी विद से ऊर्जा के मात्रक जूल को अर्क से कन्वर्ट में करो, अर्क में कन्वर्ट करो, वन जूल